लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, एससी एसटी एनटीएससी एवं ओलंपियाड्स, नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रीतिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्ज्वल भविष्य, जहां नीट आईआईटी की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन। फैसला आपके हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का इनम। मैं हूं देशराज यादव। वक्त उचला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। भाजपा युवा नेता मोहित यादव गंडाला गांव में सुनील शर्मा के परिजनों से मिलने पहुंचे, जिनकी 2 दिन पहले हत्या कर दी गई थी। मोहित यादव ने केस की छानबीन कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। गौरतलब रहे कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव बेटेड़ा में सुनील शर्मा का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सुनील शर्मा की हत्या से परिवार सहित पूरा गांव व क्षेत्र शोक में डूब गया था। मोहित यादव ने परिजनों का हौसला बंधाते हुए सुनील शर्मा की हत्या की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मोहित यादव ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून से बच नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने सुनील शर्मा के परिजनों को आर्थिक, सामाजिक व सरकारी जरूरत अथवा सहायता के लिए डायरेक्ट संपर्क करने की बात कही। सुनील शर्मा की 4 वर्ष की बेटी की स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने का भरोसा दिया। इस मौके पर मोहित यादव के साथ रामनरेश यादव जिला पार्षद, राजपाल प्रधान, अधिवक्ता प्रशांत यादव, सुनील नंबरदार, अनिल बोहरा, करमवीर यादव, अवनेश यादव से अनेक लोग मौजूद रहे। तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSE सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा, तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर बहरोड क्षेत्र के माजरे में स्थित RDS स्कूल में पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण का एक उत्सव स्कूल परिसर में प्रिंसिपल सपना मिश्रा की देखरेख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने बड़ी उत्साह एवं उमंग के साथ भाग लिया। किंडरगार्टन विंग के लिए जंगल थीम प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा प्राइमरी विंग के विद्यार्थियों के लिए वन महोत्सव थीम पर चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों ने सॉफ्ट बोर्ड सजावट का प्रदर्शन किया। वहीं प्रबंधक निदेशक विनय कुमार और निदेशक विमल कुमार ने छात्रों की रचनात्मक की प्रशंसा की और स्टाफ सदस्यों को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA, BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA, MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बोटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, BEd प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। बहरोड क्षेत्र के भगवाड़ी कलाम स्थित महाराजा PG महाविद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर कंवर सिंह व अध्यक्ष दिलीप सिंह ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर आगंतुक छात्राओं को तिलक लगाकर व मिठाई बांटकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की बात कही। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार, विद्यानंद यादव, मनोज कुमार यादव, रेणु यादव, मधु कौशिक, ज्योति यादव, मेघा यादव, परमजीत कौर, रीना यादव, प्रियंका यादव से महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड़ महाविद्यालय में बीए बीकॉम बीएससी में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम एमए में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस एमएससी में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री एलएलबी बीएड बीएसटीसी कोर्सेज संचालित हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां एनसीसी यूनिट संचालित एनएसएस यूनिट संचालित आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट अध्यक्ष सुभनाथ जी महाराज कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा में हवन एवं यज्ञ क्रियाओं द्वारा छत्र शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समिति सचिव बस्तीराम यादव द्वारा नवागंतुक बच्चियों को शुभाशीष देते हुए शुभकामना दी गई। विधि प्राचार्य डॉक्टर करण सिंह यादव द्वारा छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर पीजी प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र यादव प्राचार्य डॉक्टर सुनीता यादव बीएसटीसी प्राचार्य सुमन यादव डॉक्टर पूनम चौधरी डॉक्टर सुमन डॉक्टर सरिता डॉक्टर कस्तूरी सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय एसबीआई बैंक के पास बहरोड़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त बीए बीएससी में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एमए में राजनीतिक विज्ञान भूगोल हिंदी व संस्कृत साहित्य सभी रूटों पर वाहन सुविधा पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम एडमिशन ओपन तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड़। बहरोड़ क्षेत्र के जागवास गांव के निवासी नितेश कुमार योगी का संघ लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर चयन हुआ है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नितेश कुमार योगी का भव्य स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जानकारी के लिए बता दें कि जागवास गांव के निवासी बलवंत योगी शिक्षा मंत्री जिला शाखा अलवर के पुत्र नितेश कुमार योगी ने 2023 प्रतियोगी परीक्षा में 153वीं रैंक हासिल की है। इस दौरान नितेश योगी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों और परिवार को दिया। वहीं मौके पर टेकचंद योगी लक्ष्मी नारायण डॉक्टर लोकेश योगी सुरेंद्र कुमार रतनाम पहलवान देवेंद्र योगी घनश्याम योगी कैलाश पथिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तक्षशिला पीजी महाविद्यालय एडमिशन ओपन शिक्षा एवं खेल में 5 गोल्ड मेडल स्कूटी योजना में अव्वल जहां बीए बीएससी 3 ईयर कोर्सेज इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट एमएससी 2 ईयर इंग्लिश मीडियम बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर एस एन मिश्रा। तक्षशिला पीजी कॉलेज जो कि 14 साल से सफलतापूर्वक चल रहे हैं, मुख्य उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स का द्वारा ये संस्था परिचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत सफल प्राप्त किए हैं। मैं तक्षशिला कॉलेज बहरोड़ में पढ़ती हूँ और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव कुंड रोड माचल बहरोड़। बहरोड़ मंथन फाउंडेशन द्वारा एक गरीब परिवार की कन्या के विवाह के लिए सहयोग राशि जुटाई गई। मंथन सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम खरकड़ा निवासी ओम प्रकाश एक दुर्घटना में दिव्यांग हो गए थे के द्वारा मंथन फाउंडेशन से पुत्री के विवाह सहयोग की अपील की गई। फाउंडेशन द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप व सोशल मीडिया के माध्यम से बच्ची के विवाह के लिए सहयोग राशि एकत्रित की गई, जिसमें आमजन द्वारा करीब 42,000 रुपये की राशि सहयोग दी गई। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड़ सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्ज्वल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक क्लास 3-8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम एडमिशन ओपन एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। हमारे टेकचंद सर ने इतनी मेहनत करवाई है और मैंने राजस्थान में सेकंड रैंक हासिल की है। मैंने सैनिक नवोदय और मिलिट्री का एग्जाम भी दिया था, वो भी मैंने फाइट किए हैं। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 70-2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exam. 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। अलवर शहर में जगन्नाथ मेले को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगन्नाथ मेले को लेकर मंदिर कमेटी चाक चौबंद है। सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के
पूजन कार्यक्रम हुआ। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आज 11 पंडित द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का मंत्रों द्वारा जाप हुआ है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को घी, बूरा, केसर, शहद, गंगाजल आदि से भगवान को स्नान करवाया जाएगा। इसके बाद प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। साथ ही भगवान जगन्नाथ जी को दुबई से जो पोशाक बनकर आई है वह पहनाई जाएगी। उसके बाद पंडितों द्वारा जप करके भगवान जगन्नाथ के कंगन डोरे बांधे गए हैं। जय जगन्नाथ। आज प्रातः करीब 8:30 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का दोज पूजन के लिए 11 पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप हुआ। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी को घी, शहद, बूरा, केसर, गंगाजल आदि से भगवान को स्नान कराया गया। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरू, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड, प्रिंसिपल श्वेता गोड, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। PCC महासचिव जसवंत गुर्जर ने कहा, अग्निवीर सैनिकों को नहीं मिल रहा न्याय, कांग्रेस संगठन को कर रहा है मजबूत। शहर के एक निजी होटल में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें विधायक, सांसद और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस दौरान PCC महासचिव व कांग्रेस संगठन प्रभारी जसवंत गुर्जर ने कहा कि राजस्थान के पहले अग्निवीर शहीद जितेंद्र अलवर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। परिवार परेशान है, भाजपा के नेता व अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। संगठन की नियमित बैठक है, इसके अंदर राजस्थान के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशानुसार तो राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर बैठक रखी गई है, जिसके अंदर हमारे संगठन की समीक्षा भी है। साथ ही लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं, जहाँ हम जीते हैं वहाँ के लिए भी, जहाँ हम चुनाव हारे हैं वहाँ के लिए भी एक समीक्षात्मक बैठक है। और कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही है, कहाँ हमारी कुछ कमियाँ रही है, हमारा कुछ अच्छा रहा है, उन सभी के लिए समीक्षात्मक बैठक है। कार्यकर्ताओं ने अपने विचार भी व्यक्त करे, उनके ऊपर निश्चय ही जल्दी हम एक्शन लेते आगे हमारा संगठन का रोडमैप बनाएंगे। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एम हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 58 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर जाम लगा दिया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी पलविंदर सिंह ने बताया कि आज से 10 दिन पहले भी यहां पर निवासियों ने अपनी समस्या को लेकर जाम लगाया था। उसी टाइम जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पानी जल्द मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद एक हफ्ता होने के बावजूद भी अधिकारी जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। वार्ड नंबर 58 के अंदर जाम इन्होंने पब्लिक ने आज से 8-9 दिन पहले भी किया था, और वाटर वर्क्स के AEN JEE ने कहा था कि हम इसमें बोरिंग के अंदर 2 पाइप डलवा देते हैं, और अपना संजय शर्मा जी के पास भी सारी पब्लिक गई थी, तो इसका क्या नाम है ना, तो अभी तक उसमें बोरिंग के अंदर पाइप डलवाए हैं। एरोड्रम पे नगर परिषद की 3 बोरिंग है सिंगल फेस की, तीनों बोरिंग खराब हुई पड़ी हैं। धर्मेंद्र जी को कहा, कमिश्नर साहब को कहा, कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं, हम कहाँ से कराएं। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव,
प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीनपुर बहरोड। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2 बहरोड। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्ज्वल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। अलवर शहर के अनिबी थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाने पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। थाने के थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि सुबह थाने पर सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी में एक युवक ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में फांसी लगा दी। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक अमरजीत उर्फ कालिया बिहारी, उम्र 25 वर्ष, निवासी बिहार का रहने वाला है, जो काफी सालों से अलवर की कृषि उपज मंडी में पल्लेदारी का काम करता था। मंडी में किसी के फांसी लगाने की सूचना मिली थी, जिस पर यहाँ पहुँचे गए और FSL टीम बुलाई गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो मृतक अमरजीत उर्फ काला नाम बताया गया है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, जो यहाँ मजदूरी करना बताया गया है, पल्लेदारी वगैरह। उसकी घटनास्थल की कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके परिजनों को सूचना कर दी गई है। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक स्कूल सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम, जहां आपके ननिहालों का सवारा जाता है भविष्य। आपका एक फैसला तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर देते हैं ध्यान। फैसला आपके हाथ। स्कूल चेयरमैन काका बल्ली, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव। अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार, बहरोड। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलीला नीमराणा, 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास, चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की। विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव। जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अलवर शहर महावीर इंटरनेशनल आचार्य अस्थि चिकित्सालय में स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल एक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, जो समय समय पर कार्यक्रम रखती है, लोगों का निःशुल्क इलाज करती है। इस संस्था में 4 जुलाई से 11 जुलाई तक स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज का लक्ष्य 50 से ज्यादा यूनिट ब्लड एकत्रित करना है। महावीर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसके 50 साल पूरे हो गए हैं। उस उपलक्ष में स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। 4 तारीख से और 11 तारीख तक अलग अलग तारीखों में अलग अलग चीज़ों की फैकल्टी की जांच और दवाएं वितरित जो है निशुल्क की जा रही हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप स्वर्ण जयंती महोत्सव के उपलक्ष में जीवन धारा ब्लड बैंक के सहयोग से और कुछ 2 स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से कराया जा रहा है। RPS स्कूल जखराना एफिलिएटेड टू CBSE सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ IIT फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, BEd 2 ईयर एंड BA BEd BSc BEd इंटीग्रेटेड, राजस्थान प्राइवेट ITI, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, राव पीयू सिंह कॉलेज, BA BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, MA हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा RPS के साथ, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर जिले में गो तस्करों की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अलवर पुलिस ने इस पर लगाम लगाते हुए इन घटनाओं पर रोकथाम कर दिया था, लेकिन अब यह गो तस्कर दोबारा घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन पहले स्कीम नंबर 2 में इन्होंने गो तस्करी करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से असफल हो गई। सनातन गो रक्षक अनिल कुमार ने बताया कि हम काफ़ी बार जिला पुलिस अधीक्षक व जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं कि गो तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पर लगाम लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि या तो समय रहते प्रशासन इन घटनाओं पर लगाम लगा ले, अन्यथा अब की बार यदि गो तस्करों से सामना हुआ तो ठीक नहीं होगा। जी, ये शहर में बढ़ती हुई गो तस्करी के मामले में सौंपा है। शहर के अंदर बहुत ज़्यादा गो तस्करी हो रही है, दिल्ली मुंबई हाईवे गो तस्करी हो रही है और गोरक्षकों पर सीधी गोलियां मारते हैं गो तस्कर। उसके लिए SP साहब को आगाह कराया कि साहब हमारी भी प्रोटेक्शन का कुछ ख्याल रखें, एक स्पेशल टीम का गठन करें जिससे गो तस्करी और गो तस्करों को रोका जा सके। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दुगेड़ा बहरोड। बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए, पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेन्स में 27, NEET में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। गोकुल ग्लोबल स्कूल ए बेटर टुमारो बिगिन टुडे। एडमिशन ओपन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल सैनिक मिलिट्री एवं नवोदय स्कूल के लिए 27 मई से नए बैच प्रारंभ। CCTV कैमरे एवं डिजिटल क्लासरूम्स, ऑल प्ले एक्टिविटीज, हॉर्स राइडिंग, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा गोकुल ग्लोबल स्कूल के साथ। सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय मोनिका यादव हेड ऑफ स्कूल, एड्रेस गोकुलपुर नियर कोट बहरोड। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।